तकदीर लिखना कुदरत की कारोबारी, सितारों से लड़ना फितरत है हमारी, जीतना जाए तब तक लड़ेंगे हम, क्योंकि जीतना ही तो आदत है हमारी। इसी जिंदादिल जज्बे के साथ दस्तगीर शेख की शख्सियत उभरती है। सुल्तानपुर में जन्मे दस्तगीर शेख जी एक गरीब परिवार से थे। अपनी पढ़ाई करने के लिए उन्होंने कभी बेकरी में तो कभी मिस्त्री का काम किया। पढ़ाई पूरी होने के बाद काम की तलाश में दस्तगीर जी मुंबई चले गए। वहां पर एक साल तक बिगारी काम करने के बाद सेहत के नासाज होने से वो फिर से गांव लौट आए। गैरेज का काम सीखने के लिए 2 साल तक फ्री में एक गैरेज में काम किया। कच्ची उम्र और बुरी संगत के चलते दस्तगीर जी का जीवन बिखरने लगा था। लोग उन्हें शेख दादा के नाम से जानते थे। रोज नए झगड़े से उनके माता पिता भी परेशान होने लगे। इसीलिए उन्होंने दस्तगीर जी की शादी करने का फैसला किया। सुख दुख में साथ देने वाली जीवन साथी मिलने के बाद जीवन सामान्य होने लगा। लेकिन दस्तगीर जी के कमाई का जरिया अभी भी कमजोर था। सामान्य जीवन जीने के लिए अच्छी कमाई के साथ एक ठहराव आना बहुत जरूरी था। इसीलिए उन्होंने अपने एक दोस्त के साथ पार्टनरशिप में गैरेज शुरू किया। इस नेक काम में लगने वाले पैसों के लिए दस्तगीर जी की पत्नी ने अपने गहने बेचकर अपना पत्नी धर्म निभाया। गैरेज का काम जोर शोर से शुरू हो गया। लेकिन 2 साल होते होते पार्टनर ने हर बार दिए धोखे और फरेब से दस्तगीर जी परेशान हो गए। इसी दौरान जीवन के अंधकार में आशा का नया किरण रियांश के ग्रेट सीएमडी मधुकर जी जाधव के रूप में सामने आया। सीएमडी सर ने कंपनी का पूरा प्लान अच्छी तरह से समझाया। कंपनी का प्रोडक्ट अमृत जूस का रिजल्ट जबरदस्त है। काम की शुरुआत हुई, भारी संख्या में लोग जुड़ रहे थे। उसी समय कोरोना के संकट ने पूरे देश भर में लॉकडाउन लग गया। सभी खिलती हुई उम्मीदें मुरझाने लगी थी। लेकिन अमृत जूस पूरी तरह आयुर्वेदिक इम्यूनिटी बूस्टर होने की वजह से लोगों को इसका फायदा हो रहा था और उसकी मांग भी बढ़ रही थी। इसीलिए सीएमडी सर ने खुद बाहर निकलने का फैसला किया। ऐसे कठिन समय में भी लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को सीएमडी सर ने महत्वपूर्ण समझा, जिससे दस्तगीर जी को भी बहुत बड़ी प्रेरणा मिली और लॉकडाउन में भी जरूरतमंद लोगों तक अमृत जूस को पहुंचाया गया। पूरा देश और कारोबार बंद था, ऐसी स्थिति में भी रियांश ने लीडर्स का साथ कभी नहीं छोड़ा और लीडर्स को भी आर्थिक रूप से सक्षम बनाया। रियांश की बदौलत दस्तगीर जी ने मुंबई ताज होटल टूर और बायप्लेन गोवा टूर अपने टीम मेंबर्स के साथ एंजॉय की। साथ ही उन्होंने थाईलैंड टूर भी अपनी टीम के 30 लोगों के साथ अचीव की है। अपनी 4-व्हीलर खरीदना हर किसी का सपना होता है। दस्तगीर जी ने हुंडई की लग्जरी कार लेकर उस सपने को भी पूरा किया है। इसी के साथ उनके आलीशान घर का सपना भी अब पूरा होने जा रहा है। अब तक रियांश की तरफ से 55 लाख प्लस का इनकम दस्तगीर जी ले चुके हैं और महीने का 14 लाख प्लस का इनकम मिल रहा है। दस्तगीर जी का सीएमडी सर से जुड़ा अटूट विश्वास, लगातार सच्ची मेहनत और लगन से काम करने की बदौलत उन्होंने बहुत बड़ी टीम को तैयार किया है। अपने साथ टीम का भी एक अच्छा इनकम सोर्स बनाया है। इनके इसी अभूतपूर्व योगदान के लिए दस्तगीर जी शेख ने रियांश मल्टी ट्रेड के पहले डायमंड होने का सम्मान प्राप्त किया है। ऐसी डायनामिक पर्सनालिटी दस्तगीर जी शेख को हमारा सलाम।